माय चैनल सिंपल लाइफ हैप्पी लाइफ। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप मेरे वीडियोस को देखने के लिए अपने कीमती वक्त में से 2 मिनट निकालते हो। इसलिए फ्रेंड्स आज है 23 नवंबर और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो आज मैं उनके लिए मूंग दाल का हलवा बनाने वाली हूँ, जो इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा है, तो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं जरा देख लेती हूँ बच्चे लोग क्या करते हैं और उसके बाद हम आके किचन में रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं बच्चों को दिखाती हूँ। मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, मैंने सिर्फ बच्चों का रूम क्लीन नहीं किया है, तो फ्रेंड्स प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए। तो ये देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम लोग? ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है और ये देखिए बॉटल बना के रखी है। तो आज उनको स्कूल में बॉटल डेकोरेशन है, तो ये बॉटल को कलर करके रखा है और ये स्टिक बनाई है जिसके ऊपर फ्लावर को लगाना है। और बेटी ने देखिए ये छोटे छोटे से फ्लावर बनाए हैं जो ये स्टिक के ऊपर हमें ऐसे लगाना है, क्योंकि स्कूल में ऐसी एक्टिविटी चालू ही रहती है। तो ये आज उनका बॉटल डेकोरेशन का आज है एक्टिविटी करने का। तो चलिए अभी हम किचन में चलते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं। और बच्चे अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और यहाँ पर बेटी जो है वो थर्मोकोल जो ये सीट है उसमें से फ्लावर बना रही है, तो वो बॉटल के ऊपर स्टिक करना है। इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमें मूंग की पीली वाली दाल लेनी है। ये दाल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मैंने ये दाल को स्टोर करके रखा था, इस वजह से मैंने इसमें पाउडर लगा दिया था, इसीलिए मैंने दाल को बहुत ही अच्छे से धो दिया है और उसे इस तरीके से टॉवेल पर सूखने के लिए रख दिया है। ये दाल 5-10 मिनट में बहुत ही अच्छे से सूख के तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास बिना पाउडर लगी हुई दाल है तो आप उस दाल को टॉवेल से अच्छे से पोंछ लीजिए और इसके बाद इसका हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दाल अभी हमारी अच्छे से सूख के तैयार हो चुकी है, तो उसे मैंने एक बाउल में ले लिया है। तो अभी हलवा बनाने के लिए हम ये दाल को हमें सबसे पहले भून लेना है। लेकिन हलवा बनाने के लिए एक रेशियो आपको याद रखना है, अगर 1 कटोरी मूंग की दाल है तो आपको इसमें 1 कटोरी चीनी लेनी है। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चीनी ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन ये रेशियो अगर आप याद रखोगे तो इस हिसाब से आपका हलवा बहुत ही अच्छा और मीठा वाला बनके तैयार होगा। फ्रेंड्स रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करती हूँ, मैंने उसकी थोड़ी प्रोसेस को आपको दिखा दी है, अभी बाकी की आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई रखी है और हमें कढ़ाई में मैंने मूंग दाल को डाल दिया है और दाल को हमें भून लेना है। दाल का कलर हमें गोल्डन कलर का हो जाए तब तक भूनना है। तो मैं हाई फ्लेम पे ही इसे इसी तरह से चलाते चलाते हुए भून लूंगी, इससे ना दाल में एक अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। तो लेकिन इसे कंटिन्यूस आपको इसी तरह से चलाते रहना रहेगा, नहीं तो फिर दाल जल जाएगी कहीं कहीं से। तो चलिए मैं पहले इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अभी दाल हमारी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। तो अभी ये स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है, लेकिन दाल को इसी तरह से हमें भूनते रहना है क्योंकि कढ़ाई जो है वो हमारी अभी भी गर्म है, तो दाल नीचे से काली हो सकती है, इसलिए इसी तरह से हमें भूनते रहना है। फ्रेंड्स देखिए अभी हमारी दाल जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो अभी इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है, लेकिन बहुत ही दरदरा सा पीसना है। आप जब भी मिक्सर चालू करो पीसते वक्त तो आपको इसे रुक रुक के चलाना है, एकदम ही इसका पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रहेगा वैसा आपको पीस लेना है। तो चलिए पहले मैं इसे पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसे दरदरा सा पीस के ले लिया है, देखिए। तो चलिए अभी इसका हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कढ़ाई में दाल को पीस के डाल दिया है, ये लोहे की कढ़ाई है इस वजह से आपको कलर ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा,
आप चाहे तो कोई और भी कढ़ाई ले सकते हो। तो अभी इसके अंदर हमें घी डालना है, तो चलिए पहले मैं घी डाल देती हूँ। और ये हलवे में ना थोड़ा सा घी ज्यादा ही लगता है, पहले मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसे इसी तरह से मिलाते जाना है और घी को डालते जाना है। हमें और थोड़े घी की जरूरत है तो मैं और थोड़ा घी डाल देती हूँ। अभी मैंने घी डाल दिया है, तो ये घी में हमें अभी दाल को बहुत ही अच्छे से भून लेना है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी सूजी डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो मैंने आधी कटोरी जितनी सूजी अभी डाल दी है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, अगर आप चाहे तो बिना सूजी का भी ये दाल का हलवा बना सकते हो। बस अभी इसी तरह से इसे चलाते रहना है और अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे। तो अभी मैं इसे अच्छे से चला चला के भून लेती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स हमारी जो दाल है ना वो अच्छे से भून के तैयार हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर हमें दूध डालना है, आप पानी भी डाल सकते हो या दूध भी डाल सकते हो। मैंने मलाई भी डाल दी है अंदर और अभी इसे अच्छे से हमें मिला देना है। और इसे इसी तरह से हमें चलाते रहना है, फिर से इसे हमें गाढ़ा होने देना है। सोख लिया है और अभी उसका कलर जो है वो बदली होने लगा है, फिर से पीला हो गया है देखिए। अभी इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दूंगी और अभी इसे भी अच्छे से हमें मिला देना है। तो फ्रेंड्स अभी हलवा अच्छे से सेट हो चुका है, तो अभी इसके अंदर हमें चीनी डाल देनी है और चीनी जितना आपने मूंग दाल लिया रहेगा उतनी ही आपको चीनी लेनी है। तो मैंने आधी कटोरी मूंग दाल ली थी, तो आधी कटोरी अभी मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आप चीनी कम ज्यादा कर सकते हो। तो अभी चीनी घुलने तक हमें इसे इसी तरह से मिलाते हुए पका लेना है और ये बहुत ही टेस्टी वाला हलवा बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी मैं इसे इसी तरह से भून लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स अभी हमारा हलवा तैयार हो चुका है, साइड में से देखिए घी भी अच्छे से बाहर निकल आ गया है। तो अभी इसमें हमें लास्ट में ड्राई फ्रूट डाल देने हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो अभी गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिला के एक अलग बाउल में ले लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे मूंग दाल का हलवा बन के तैयार हो चुका है और ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनके तैयार हो चुका है, इसे आप गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए या ठंडा करके एंजॉय कीजिए, जैसे आपका मन चाहे वैसा इसे एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ बनाइएगा जरूर और बनाने के बाद मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा कि हलवा कैसा बना था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो ना तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।